जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सौमेंद्र सीएसएफ में। आज हम बात करेंगे जो भी आपकी कमेंट्स आती हैं यूट्यूब पे उनके बारे में, और कोई अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलती है इन कमेंट्स से तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है सर, कितने बच्चे भागेंगे? तो इन्होंने मेरे 100 मीटर का एक वीडियो है उस पर कमेंट किया है कि टोटल कितने बच्चे भागेंगे। देखो जैसे आपके इवेंट में बता देता हूँ, एक बार फर्स्ट इवेंट आपका होगा सेटअप वो चिनअप्स का, ठीक है, चिनअप्स होगा, उसके बाद आपका सेटअप होगा। नेक्स्ट आपका थर्ड इवेंट होगा वो होगा रनिंग का, ठीक है। अब रनिंग में जो इनमें पास हो जाएंगे ना सेटअप्स में, जैसे सपोज करो आपका 50 का बैच बनाया, 10 आप मान लो कि चिनअप्स में निकले और 15 आपके किस में सेटअप्स में निकल गए, पक्का भाई बाहर होंगे। देखो जाएंगे लड़के तो बाहर होते हैं, फिजिकल में सिर्फ है ना 20% ही बच्चे पास होते हैं 100 में से, कोई सा भी फिजिकल उठा के देख लो आप, ठीक है। तो अब बचे कितने, 15 यहाँ पे हो गए और 10 यहाँ पे, 25 फेल हो गए, टोटल 50, मतलब 25 लोग आप रनिंग करेंगे। अगर वो ट्रैक है इस तरीके का जो मैं आप इस वीडियो में देख रहे हो तो इसमें ओनली 5 भाग सकते हैं। अब काफ़ी उनके पास ग्राउंड है तो वो एक साथ आपको 15 भी भगा देंगे, 10 भी भगा देंगे, क्योंकि यार 16 सेकेंड में दूसरा बैच बनाने में 30 सेकेंड लगेगी उनको, ठीक है, क्योंकि आपका बैच है 100 मीटर आपको भगाएंगे सिक्योरिटी गार्ड में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो 10 भी भगाएंगे तो पूरे 1 मिनट में वो आराम से 2 बैच निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया आपकी पहली कमेंट। भाई कर भी अलोंग से हूँ, मेरे साथ कौन कौन चलेगा? शिलोंग गुन्नीस तो ये आसाम के हैं, इन्होंने पूछा है कि इनके आसपास के जो लोग हैं इनसे संपर्क कर लें। जिसका एज 30 है उसका एडमिट कार्ड शो करें, क्या डिटेल्स आ रही है? बिल्कुल आपको 30 प्लस वालों का एडमिट कार्ड शो किया जाएगा, अभी और एडमिट कार्ड आना। सर मेरे पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, फिजिकल एंट्री मिलेगी? बिल्कुल आपका नाम है पिंग बिलोंग, बिल्कुल आपको मिलेगी एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सिक्योरिटी गार्ड में भी होगा क्या कॉम्प्रेंशन? सर रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग एक वीडियो मैंने बना दिया कॉम्प्रेंशन सिक्योरिटी गार्ड में, एक बार सिलेबस वाला वीडियो जाके ज़रूर देख लो। सर नॉर्थ ईस्ट का हूँ सर, चिनअप्स 8 हो रहा है लेकिन उसका एज नहीं आ रहा है। और एक बात सर, नॉर्थ ईस्ट वालों का रिटर्न में कितना मार्क मिलने से मेरिट आ जाएगा? देखो ऐसा नहीं है प्रशांत के आपका अलग मेरिट जाएगा, ये ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मेरिट है आपकी सभी जगह की, के वो कोई सा भी स्टेट के हो आप, टोटल एक ही मेरिट जाएगी। जो SSC GD जो एग्ज़ाम लेती है ना, वो उनकी कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑल इंडिया बेस्ड जाएगी। हाय सर UP के एडमिट कार्ड आते बता दूँगा। सर जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, एग्ज़ाम सेंटर नागपुर डाला हूँ, नागपुर वालों का कब तक होगा? तो जैसे ही आपका आ जाएगा डेट मैं छत्तीसगढ़ वालों आपको ज़रूर बताऊँ। हरियाणा वालों को भी कंप्रेंशन हिंदी में इंग्लिश में, AMD में पिछली बार इंग्लिश में आया था, आप इंग्लिश में तैयारी करें। बिहार का कब आएगा? तो बिहार वालों जैसे ही आपका आएगा, कुछ लॉन्ग जंप का बता दो कुछ, एक वीडियो मैंने लॉन्ग जंप का बना रखा है उसमें बता रखा है, पिछला भी एक मेरा लॉन्ग जंप का वीडियो वो जाके भी आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है दोस्त। देखो आपका लॉन्ग जंप का आपको बता देता हूँ, जो मेल हैं उनका 12 फिट है और फीमेल का 9 फिट है। देखो आपको लॉन्ग जंप करने का यही तरीका है, आप कूद रहे हो, आप थोड़ी सी ऊंचाई वहाँ पे रहेगी, आपको लाइन से थोड़ा यहाँ से कूदना है, जैसे ये लाइन है तो आपको इधर से कूदना है, और जैसे पीछे की तरफ आपको हाथ नहीं रखने, जैसे मैंने वीडियो में बताया, एक बार वीडियो देख लो तो और अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सर प्लीज़ शूज कौन से कलर का पहने? शूज कोई भी कलर का पहन लो, कौन सी वीडियो पर कमेंट्स किया है? अगर आप देखो SSC GD ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ब्राउन कलर के शूज वहाँ पे चलते हैं, ठीक है, आपके ट्रेनिंग टाइम में ब्राउन कलर के। अगर आप ने डिसाइड नहीं किया, अगर आप AMD कैंडिडेट हो तो आपके पास जैसे भी शूज हैं सारे शूज वहाँ पे चल जाएंगे। AMD में स्पोर्ट का कुछ बेनिफिट होता है? कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है दोस्त। AMD ये सेम आपके कमेंट महाराष्ट्र वालों का आएगा। सर गर्ल्स के लिए सेटअप्स लगाने की इम्प्रूव टिप्स बताएं। तो रीना जैसी बॉयज का है वैसा ही गर्ल्स का है, गर्ल्स का कौन सा सेटअप्स यार अलग तरीका होता है, एक्सरसाइज सबकी सेम ही होती है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो आपका आ जाएगा। पेपर 1 महीने का टाइम मिलेगा कि नहीं? 1 महीने का टाइम है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा, और मुझे लग रहा है जनवरी के सेकेंड वीक में आपके एडमिट कार्ड डल जाएंगे एग्ज़ाम के सिक्योरिटी गार्ड के, ठीक है, ASO वालों को टाइम मिलेगा।
ये हो चुका है आपका। सर जी जिला बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ सर, हमारा फिजिकल किस डेट को हो सकता है? ये डेट आते ही मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। सर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे फिजिकल एंट्री मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपका पहले सर प्लीज़ रीड मोर, सर प्लीज़ क्या लिखा है आपने? 10 में कितने बच्चे पकड़ते हैं? 10 में से भाई 5 ही मुश्किल से पास होते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है? एक बच्चे में कितना बच्चे पकड़ते हैं? उड़ीसा का कब आएगा? उड़ीसा का आते मैं बता दूँगा? नहीं नहीं सर, यूपी वालों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, मैं बता दूँगा। सर एक्चुअली ESO असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 1/1600 मीटर को कितने मार्क्स हैं? चिनअप्स के लिए कितने मार्क्स हैं? सिटअप्स के लिए कितने मार्क्स हैं? भाई कोई ये फिजिकल में मार्क्स नहीं मिलता है आपको, ओनली क्वालिफाई है, ठीक है? क्वालिफाई आप करोगे तो आप है ना एग्ज़ाम दे पाओगे, है ना? तो मार्क्स किसी में नहीं है, लॉन्ग जंप के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंशन करके बताओ सर प्लीज़, ताकि अच्छे से प्लानिंग करके ग्राउंड कवर करें, ताकि 1600 मीटर में आउट ऑफ मार्क्स। अरे देखो इनमें आप फिजिकल ओनली क्वालिफाइड है, आपको यार रिटर्न की तरह यहाँ पे नंबर नहीं मिलने वाले दोस्त। आप पहले नंबर पे भी आ रहे हो ना, आप देखो 1600 मीटर 5 मिनट में मारोगे, फिर भी आप समान हो। आप 1600 मीटर 6 मिनट और 25 सेकेंड में मारोगे तब भी आप समान हो, ठीक है? तो इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं, फिजिकल के कोई नंबर नहीं है। AMD का पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन या कंप्यूटर पे? वैसे सीट पर देखो क्लियर लिखा गया है ऑनलाइन आपका पेपर होगा, ठीक है? हेलो सर, ESO में गर्ल्स की पोस्ट कितनी है? कोई कुछ भी डिसाइड नहीं है, गर्ल्स और बॉयज़ समान पोस्ट है, ठीक है? जो ज़्यादा नंबर लाएगा वो पास हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन का भी कोई मुझे जानकारी नहीं है। सर मेरी एज 30 ईयर है और 30 ईयर 10 मंथ है, कोई सेटअप्स चिनअप्स में प्रॉफिट है क्या? बिल्कुल एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर देख ले मुखराज मीना, आपके लिए थोड़ा छूट है, शायद आपके लिए चिनअप्स में छूट है और सिटअप्स में भी। ये सेम आपका कमेंट। सर AMD में गन मिलेगी? गन नहीं मिलेगी आपको, लाठी के साथ ड्यूटी करनी पड़ेगी। मेरे साथ एक बार भी नहीं हो पा रहा है सर, मेरे से एक भी। तो AMD में पाइप आपका सिटअप्स लगाना ज़रूरी है। पद्मा फिजिकल टेस्ट लाइव वीडियो? फिजिकल टेस्ट का लाइव वीडियो नहीं मिल पाएगा, ठीक है? सर मेरा सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई किया हूँ, जिसमें 3 नाम दिए हैं, फर्स्ट नेम मुकेश, मिडिल नेम सुरनेम। मेरा सर्टिफिकेट में एक ही नाम है, मेरा सुरनेम मुकेश पड़ गया है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप आराम से जाओ फिजिकल देने, कोई किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस अलग दिया है, कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? एड्रेस में कुछ प्रूफ नहीं मांगे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से आपका आने वाला है एडमिट कार्ड। सर बिहार वालों का एडमिट कार्ड कब आएगा? अगले साल रिजल्ट कब तक आएगा बताओ? आपका रिजल्ट देखो भाई, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको मुझे लग रहा है कि मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा और जून जुलाई से आपकी जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? भाई पेन की वजह से कुछ दिन का रेस्ट ले रहा हूँ, रनिंग पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा थोड़ा, जैसे आपको पता है कि पेन जिस एरिया में हो रहा है, सपोज करो पैर में पेन हो रहा है, तो भाई अपर बॉडी की एक्सरसाइज जारी रखो, ठीक है? एकदम बैठ मत जाओ बिल्कुल ही, नहीं तो दिक्कत आएगी। थोड़ा थोड़ा करते रहा करो, ठीक है? राजस्थान कब आए? सर ITBP और CRPF का फॉर्म भरने के लिए ट्रेडमैन का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? उनमें तो यार वो आप है ना, एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना, उसके बाद देख लेना, अगर नोटिफिकेशन में लिखा है तो चाहिए। सर चेस्ट कहाँ से नापते हैं? आपके निप्पल होते हैं उनके ऊपर से चेस्ट को नापा जाता है। थैंक्स सर भाई, आपका आशीर्वाद है बिल्कुल हमेशा। यार यूट्यूब चलाने का मतलब थोड़े पहले से भी जानकारी होनी चाहिए, कब आया यूपी वालों का? अरे ऐसा नहीं है यार, मैं यूट्यूब चलाता हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी है, मुझे आपका एडमिट कार्ड का पता होना चाहिए। मैं बस आपको जो वेबसाइट पे दिया होता है उसके हिसाब से बता पाता हूँ, ठीक है? पहले नोटिफिकेशन में जो लिखा है उन्हें अच्छे से उसके हिसाब से, ठीक है भैया? यूपी का जो ESO का डेट तक फिजिकल का बता दीजिए, एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए। देख एक्सपेक्टेड मेरे, अगर मुझसे पूछते हो तो आपके 10 तारीख के सभी के फिजिकल के एडमिट कार्ड डल जाएंगे, जितने भी स्टेट है ना भाई, ऑल फिजिकल की डेट 10 तारीख को डल जाएगी, अगर मेरा मानना है तो। मेरे अगर और वो बदलाव कर सकते हैं, वो आप मेरी राय लेते हो ना, तो 10 तारीख है मेरा भाई। चिनअप्स इंक्रीज करने का कोई तरीका बता दो, एक वीडियो मैंने बनाया है दोस्त, उसको देख सकते हो आप। सर तेलंगाना का आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है? तो प्लीज़ सर नंबर से आपसे बहुत जानकारी मिली थी भाई। यार एक दांत टूटी हुई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दांत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?
सर एग्ज़ाम के बारे में बात करना है। एग्ज़ाम के बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है। ट्रॉली वहाँ मिलेगा क्या कैंटीन में? ट्रॉली वहाँ पे मिल जाएगा कैंटीन में, बट आप अभी ख़रीद लो तो बेटर रहेगा। ASO का मेडिकल कहाँ कंडक्ट कराया जाता है? आपका हैदराबाद होगा। सर जी मेरा हैंड पर ओम गुदा है। फिजिकल में एनी प्रॉब्लम? फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जाओ। सर चिनअप्स के हाथ नीचे तक लगाना पड़ता है? बिल्कुल। हेलो सर, ASO में गर्ल्स की कितनी वैकेंसी है? ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपकी काफ़ी कमेंट्स हैं, रोज़ आप कमेंट्स करते हो, उनका रिप्लाई मैं वीडियो के माध्यम से देता हूँ, आपको पता है। तो जिनको जिनका छूट जाता है भाई, उनके लिए सॉरी, है ना। काफ़ी कमेंट्स होने के बावजूद आपके कुछ न कुछ कमेंट्स ऐसे रह जाते हैं। और नए कैंडिडेट सब्सक्राइब कर देना, और सभी वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल दिए फिजिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप उनको देखते हुए तैयारी करें। जैसे ही 10 तारीख को हम रिव्यू लेंगे कि वहाँ पे क्या क्या करवाया गया, कैसा स्टाफ है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। आप इस चैनल पे बने रहे, आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।